गैस निकली अग्निशमन की। तो आग बुझाना सिलेंडर में बटन दब के वो धूं भी फेंक दी पाउडर का गैस मार देगी। ड्राइवर वहां वीडियो बैठ तो पुपनी गई से शीशा मांग निकली ओके देखो क्या निकल गई। अरे भाई जी धुआं क्या हो गया? ओ पाइप उपाड़ दिया गैस सिलेंडर नहीं आता है क्या? कौन सा आग बुझाने वाला? आग बुझाने वाला उसके पाइप को उपाड़ दिया इन्होंने। अच्छा बस चली कहाँ से थी? ये तो अनूपगढ़ जा रही है। अच्छा 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 वो सिलेंडर फट गया। कितना किलो का आता है वो? कितना किलो का आता है वो? लगभग दो ढाई तीन किलो का आता है। अच्छा फट गया वो? फटा नहीं है, पाइप फट गई। पाइप को पकड़ के खींच ली कहीं सवारी ने खींच ली। अच्छा अच्छा ठीक है सवारी ने पकड़ के खींच ली उनको जान नहीं था। सरदारसर में मेगा हाईवे पे पंचायत समिति के सामने अनूपगढ़ से जयपुर जा रही बस रोडवेज बस के अंदर अचानक हमें धमके की आवाज आई। हम एनएसयू साथियों के साथ में विधायक तारानगर नरेंद्र बुराने जी के जन्मदिन पे पौधारोपण का प्रोग्राम कर रहे थे। हम साथियों के साथ में वहाँ हाईवे पे पता रहे बस के पास में तो वहाँ अश्वारी है जो शिशो में से कूद रही थी। कहीं फटक जो लॉक था तो फटक अनलॉक करके अश्वारी लगभग कूद चुकी थी। हम तब तक पहुंचे वहां तक, बाकी जो अश्वारी बची हुई थी हमने उनको सबको संभाला। उसके बाद में हमने पता किया तो वहाँ अग्निशमन यंत्र होता है वो चालक और परिचालक की लापरवाही से वो अनकंट्रोल हो गया। उस वजह से ये जो हादसा जो होना था वो बच गया। तो सबसे अच्छी बात ये रही इस हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई। एनएसवी के पूरा जिलाध्यक्ष कृष्णलाल सिंह चूरू।